हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर केस। सो आज के मेरे इस वीडियो में मैं यू साउंड वर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ। अब तक अपना कंप्लीट हो गया है ए ई आई और ओ, और दिस वीडियो इज रिलेटेड फॉर यू साउंड वर्ड्स। तो मेथड आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से करना है। पहले अपन को बच्चे को साउंड लिसन करवाना है अगेन एंड अगेन। जब से वो एलकेजी क्लास में आता है तो इवन उससे पहले से भी आप उसे साउंड पहले से क्लियर करवाते रहिए, ताकि जितनी बार वो उसे लिसन करेगा तो जब वो उसे रीड करेगा तो उसे के टंग पर वो इजीली आ जाएगा। ओके, तो यहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग मस्ट है। देन आपका आता है रीडिंग। तो पहले आपको टू लेटर वर्ड्स उसे मिक्स करके बताना है, सेम अग नग अन अप अच। ओके, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फोनेटिक के अकॉर्डिंग ही करवाना है। वर्ड्स जो भी लेटर है उसे वो रीड ना करे, उसका फोनिक्स रीड करे, लाइक अ जग मग रग। वेदर इफ ही इज नॉट एबल टू रीड थ्री लेटर वर्ड्स टूगेदर, देन ही कैन रीड लाइक अ दिस र अन रन, स अन सन, ब अन बन, अप प अप पप, क अप कप, न अच नट, क अट कट, ह अट हट। तो एज सेम हिंदी में भी हम ऐसा ही करवाते हैं। एज यू ऑल नो, जब टू लेटर वर्ड्स करवा रहे होते हैं तो लाइक अ क ल कल इस तरह से रीड करवाते हैं बच्चे को, तो ऐसे ही सेम हमको इंग्लिश रीड करवाना है। इंग्लिश रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि यही मेन चीजें होती हैं जो बच्चों का बेस होती हैं, आगे जाकर इनके काम आने वाली होती हैं। तो आपको फैमिली वर्ड्स पे मेन फोकस करना है। यहाँ पर कुछ और अदर वर्ड्स दिए हुए हैं कर्सिव राइटिंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया यदि आप कर्सिव में करवा रहे हैं तो इस तरह से हग जग रग बन फन या गन। ओके, सो कर्सिव के बारे में मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि आप पहले प्रिंटिंग लेटर पर फोकस करें, कर्सिव को नहीं करवाएं, कर्सिव बाद में करवाएं और कर्सिव की प्रैक्टिस प्रॉपर वे में करवाएं, क्योंकि बच्चे कर्सिव की वजह से हमारा अपनी पूरी राइटिंग बिगाड़ लेते हैं। इवन उनकी राइटिंग यहाँ तक हो जाती है कि ना पेरेंट्स को कुछ समझ में आ रही होती है ना ही टीचर को। तो पहले आप बच्चे को इसी तरीके प्रिंटिंग लेटर्स आप उसे रीड करवाएं और राइट करवाएं, देन जब वो अच्छे से कर लेते हैं तो कर्सिव उसे अच्छे प्रॉपर वे में करवाएं, क्योंकि यही राइटिंग ऐसी होती है कि वो बच्चे लाइक का मोती की जैसे लिखना लग जाते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल रफली लिख रहे होते हैं तो वो हमें अंडरस्टैंड भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। आगे जाते हुए रीड सम मोर वर्ड्स विद साउंड यू। यू से रिलेटेड और साउंड्स हैं यहाँ पर, जैसे कि अब में कब सब हब रब और दिस इज टब। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि किस तरह से आपको रीड करवाना है, अगर बच्चा ये एक साथ नहीं रीड कर पा रहा है तो जैसे य अम यम, ग अम गम, म अम मम, स अम सम, प्ल अम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि बुक्स अपने अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। तो प्ल यहाँ पे एल ब्लेंड आ गया है, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। अभी ओनली थ्री लेटर वर्ड्स ही आपको करवाने हैं। अट रट शट, यहाँ पर भी इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एस एच साउंड वर्ड्स है ये। बट गट नट, यहाँ पर डक लक प्लक क्लक ट्रक, तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है यहाँ। ऐसे ही यू डबल एल बुल फुल पुल डुल लुल। आप देन राइमिंग के अकॉर्डिंग है, रीड अलाउड। रूबी हैज अ पप, पप लिव्स इन हट, हट इज अ मेड ऑफ मच, द बैग इज ऑन द रग, रग इज ओके दिस टाइप ऑफ अ कारपेट रग हो गया। देन आगे स्किल्स टेस्ट है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों के असेसमेंट्स की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बच्चों को
साथ की साथ इस तरह के असेसमेंट्स लिए जाते हैं ताकि उनकी हमें पता चलती जाए कि परफॉर्मेंस किस तरह की है, उन्हें कितना अंडरस्टैंड हुआ है, कितना और हमें उन्हें दोबारा रिपीट रिवाइज करवाने की ज़रूरत है। तो यदि बच्चों को क्लियर होता जाता है तो उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, आगे के एक्स्ट्रा लाइक जो भी कोर्स से रिलेटेड है वो करवाना स्टार्ट करवा दिया जाता है। यदि बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो उसके रीजंस देखते हुए अनदर वे उसके लिए ट्राई किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेज से जब हम करवाते हैं, जैसे कि मैंने पहले आप वीडियोज़ में भी आपको बताया कि आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप करवाइए इन्हें रीडिंग, आप वीडियोज़ के थ्रू बच्चों को यूट्यूब्स के थ्रू शो कीजिए, डिफरेंट वेज से करवाइए, लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ आता है नट, हट या कट। सो दिस इज ऑब्वियसली हट। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, रन। तो दिस इज नॉट अ सन और नॉट अ बन, दिस इज रन। दिस इज रक, नॉट अ मग और जग नहीं है, ये क्या है, रक। दिस इज टब। तो बाकी के दो एक्स्ट्रा जो हैं वो कब और रब इज अ रॉन्ग। देन आपका आ जाता है रीड द साउंड एंड सर्किल द वर्ड्स दे बिलोंग। अब साउंड से रिलेटेड कौन सा बन रहा है यहाँ पर, कब। अम साउंड से रिलेटेड बन रहा है गम, उल से रिलेटेड बन रहा है पुल। देन यहाँ पर मैच करना है, बुल है, जग है, जग गया, फिर देन रन है, फिर ये मग है, टब है, और ये दिस इज जग, रन, पप। ओके दिस इज पप। सो द वे आपको इसे मैच करवाना है। फिर यहाँ पर कुछ फिर अगेन फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, लाइक अ बन, कप, गम, दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई विल टेल यू, दिस इज सन और दिस इज डक। तो इट्स लुक लाइक यस नट, बिकॉज पिक्चर हमें कई बार हमें अंडरस्टैंड नहीं होता है कि इसकी जो शेपिंग है उस लुक लाइक अ इमली। तो दिस तरह से दिस इज अ नट। तो द वे इस तरह से आपको करवाना है। फिर अनदर बुक में जैसा कि मैंने बताया आपको हग, ये सारा आपको बता चुकी हूँ मैं। फिर यहाँ पर आ गया है रन, सन, कप, हट, नट, फिर ये और दिए हुए हैं मग, बन, गन, डग, रग, हग, फन और जग। जब राइटिंग की बात करवाते हैं तो जैसा कि अभी लास्ट जब बच्चा यहाँ तक आ जाता है तो उसकी राइटिंग बहुत क्लियर हो जाती है। देखिए लाइक बच्चे की यहाँ तक आते हुए राइटिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो ये आप मान के चलिए जब आप फैमिली वर्ड्स करवाते हैं तो एटलीस्ट 15 दिन, आप 15 डेज एक साउंड को आप ले सकते हैं अच्छे से, उसे अच्छे से क्लियर करवाइए। तो ये आपके ओनली 5 साउंड वर्ड्स होते हैं अलग अलग, तो आपके 2 या 2 मंथ्स या 2.5 में आपके जाकर ही ओवरऑल कंप्लीट हो जाते हैं। राइटिंग का भी बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है और रीडिंग का भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है, उनका अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। देन उनके और अनदर साउंड वर्ड्स जो होते हैं वो ब्लैंड जो होते हैं तो वो सब मैं आगे आपको करवाने वाली हूँ, डॉल्ज वर्ड्स, साइट वर्ड्स या AN और जो भी ग्रामर रिलेटेड है, तो वो प्रेप में स्टार्ट जो हो जाती है बाद में जाकर, तो वो मैं सारा आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। तो जैसा कि यहाँ पर अभी हम रीड कर लेते हैं एक बार, कब, जब, हब, नब, रब, सब, टब, फिर दिस इज यू डी है ना, तो बज, कट, दिस इज अगेन बज और मज, दिस इज यू जी, अग, बग, डग, हग, जग, लग, बग, पग, रग, टग, अम, गम, हम और मम, अन, गन, फन, बन, रन, सन, पन, मन, नन और हन,
अट बट कट नट्स हट और गट और दिस इज शट. तो दीज ऑल फैमिली वर्ड्स. नाउ ऑल फैमिली वर्ड्स आई हैव कंप्लीटेड हियर. इनको आप इसी तरह से करवाइए, फिर देना रिपीट करवाइए बच्चों से. स्पीक करके आप स्पीक करेंगे, बच्चे खुद से राइट कर रहे होंगे या बच्चे पिक्चर्स देख कर राइट कर रहे होंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो कि आप बच्चों से करवा सकते हैं. सो ये अपने ओवरऑल फैमिली वर्ड्स कंप्लीटेड हो गए हैं यहाँ पर. तो आप इन्हें अच्छे से वॉच कीजिए अगेन एंड अगेन. जितना भी आपको कन्फ्यूज़न है वो देख कर आप इन्हें बच्चों को मतलब क्लियरली करवाते रहिए. इस तरह से कॉपीज में किस तरह से करवाना है, बच्चे को बुक में किस तरह से करवाना है, तो ये सारा. और अगर आपकी कोई भी रिलेटेड टू क्वेरी है, कुछ भी आपको लगता है इसमें कोई एडवाइस है, तो इवन आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी करवा रहे हैं तो वीडियोस बनाइए. और वीडियोस आप सभी के पास मेरे नंबर हैं, उन पर आप वीडियोस मुझे सेंड कर सकते हैं. या आपको कोई क्वेरी है, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिलेटेड टू वीडियो से रिलेटेड है या स्टडी से रिलेटेड है, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम बिकॉज मेरा नंबर आप सभी के पास है और व्हाट्सएप इस टिक सॉरी यूट्यूब पे भी दिया हुआ है. सो आप बच्चों को करवाते रहिए. एज यू ऑल नो कि हम लोगों के पास टाइम है, अभी हम सब घर में हैं तो हम बच्चों को अच्छे से टाइम दे सकते हैं. यदि 1.5 आवर भी आप डेली का बच्चे को देते हैं तो उनकी स्टडी सफ़र नहीं करेगी, उनका रेगुलर जो स्टडी है वो बना रहेगा. आप इवन मेरे वीडियोस को भी बच्चों को शो कर सकते हैं साथ के साथ, तो ये भी आपके एज ए स्टडी के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ के रूप में काम में आ सकता है. सो हैव अ ग्रेट डे. ओम शांति. टेक केयर यू ऑल. बाय बाय.